हेलो व्यूअर्स, आइए आज मटन की एक ऐसी रेसिपी आपको देते हैं जिसमें आपको मज़ा से कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े और आपका बहुत सारा वक्त बच जाए। तो आइए देखते हैं मटन बनाने का ये तरीका और इसमें शामिल होने वाले मसालों को। तीन सौ ग्राम मोटा कटा हुआ प्याज लें। इस पर लौंग, इलायची, सफ़ेद ज़ीरा, जावित्री और काली मिर्च डालें। हाफ के जी बकरे का धुला हुआ गोश्त डालें। हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर डालें। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर डालें। वन टेबल स्पून धनिया पाउडर डालें। वन टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालें। हाफ टी स्पून नमक डालें। दो तेजपत्ता और दो सुर्ख मिर्च तोड़ी हुई डालें। वन टी स्पून गार्लिक पेस्ट डालें। वन टेबल स्पून चॉप जिंजर डालें। 80 ml मस्टर्ड ऑयल डालें। और इन सब चीज़ों को खूब अच्छी तरह मिला लें। गोश्त को खूब अच्छी तरह मिला लेने के बाद इसे प्रेशर कुक करें। अब ये तैयार मटन कुकर में जाने के लिए रेडी है, तो आइए इसे कुकर में डालें। पानी डालें और इसे इतनी देर तक प्रेशर कुक करें कि गोश्त गल जाए। 5 मिनट इसे हाई फ्लेम पर रखें, फिर ढक्कन बंद कर इसे गलाएं। गोश्त में उबाल आ गया है, अब इसे ढक दें और गलने तक पकाएं। 15 मिनट में गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है और गोश्त और प्याज ने जो जूसेस रिलीज किए हैं इस वजह से इसमें अभी पानी है। तो आपके लिए हमारी ये टिप है कि गोश्त को खूब अच्छी तरह से भून लें, यहाँ तक कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए और तेल इसकी सतह पर आ जाए। तो इसे अच्छी तरह से भूनने के बाद आपको फिर दिखाती हूँ। गोश्त भून कर तैयार हो चुका है। यहाँ आपके लिए एक ये टिप है कि आप इस वक्त 1 टी स्पून इस पर देसी घी डालें, इससे गोश्त की लज्जत और खुशबू दोनों बढ़ जाती है। क्योंकि हमने इसे कहीं भी ब्राउन फ्राई नहीं किया है प्याज़ों को, इसलिए ये तरकीब काफ़ी काम आती है, आप भी ट्राई करें। गोश्त बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो इसे डिश आउट करते हैं और उसके बाद देखते हैं। गाढ़े शोरबे वाला ये झटपट मटन करी तैयार है। अब आप हरी धनिया की पत्ती से इसकी गार्निशिंग कर लें और अपने मनपसंद रोटी नान
और पुलाव के साथ इसे खाएं, लोगों को खिलाएं, आपकी हमसे भी बेहतर बनेगी। बस आपके लिए ये टिप है कि सही मेज़रमेंट आप यूज़ करें तो इंशाल्लाह आपकी मुझसे भी बेहतर बनेगी। एक बार ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।